नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता और उनकी बहुत सारी महिला मित्र केवल वही ईडी और सीबीआई के रडार पर नहीं थे, वहां पर वामपंथियों के 34 साल के राज को खत्म कर 2011 में बंगाल की सत्ता संभालने वाली ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी लगभग 2 दर्जन विधायक ईडी के रडार पे हैं। इसमें टीएमसी के मोस्ट सीनियर लीडर भी शामिल हैं और पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया है। एक नया प्रेशर जो है पूरी सरकार पे आ गया है, जिसकी वजह है कोलकाता हाईकोर्ट का नया ऑर्डर। मैं आपको बता दूं कि 2017 में कोलकाता के एक वकील जिन्हें विपल्प राय चौधरी कहते हैं, उन्होंने एक याचिका जनहित में दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि 2011 से 2016 के बीच में टीएमसी के 19 विधायकों की प्रॉपर्टी बेहिसाब तरीके से बढ़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सही भी है, जांच होनी चाहिए। इसमें ममता के सबसे खास कहे जाने वाले और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का भी नाम है। विपल्प चौधरी अपनी याचिका में उन्होंने काफ़ी सारे प्रूफ दिखाए और पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास से 50 करोड़ रुपए और 5 किलो सोना मिलने के बाद चौधरी फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में पार्थ से मिले कैश के वीडियोस दिखाए हैं और कहा है कि 19 विधायकों की प्रॉपर्टी की भी जाँच जल्दी होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उनकी याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है और ईडी को जांच में शामिल करने की बात कही गई है और ईडी से इस बारे में आगामी 12 सितंबर तक जवाब मांगा है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट का आदेश आते ही टीएमसी के 3 मंत्री फिराद हकीम, ज्योति प्रिया मलिक और अरूप रॉय भी कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने एक पिटीशन लगा के कहा है कि ये जो जांच है इसमें ईडी को शामिल नहीं करना चाहिए, ईडी की क्या ज़रूरत है, कोई गड़बड़ी के सबूत मिले तब तो कोई बात भी है और अगर सबूत मिलते हैं तो वो बात की बात है। इसके अलावा कई सारी दलीलें रखी गई हैं, कोशिश यही है कि जांच ईडी के हाथ में न चली जाए। अब ईडी जांच करेगा या नहीं ये हाई कोर्ट तय करेगा, लेकिन मामले को समझने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी की एंट्री ज़रूर होगी और इन लोगों का हाल भी पार्थ चटर्जी जैसा ही होना लगभग तय है। ईडी के जांच में शामिल होते ही टीएमसी के 19 नेता बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई है और ये सच है। ये बात इन नेताओं ने ही अपनी चुनावी एफिडेविट में कही, उसी को पटिशनर ने भी आधार बनाया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक को तस्करी, कोयला तस्करी और एसएससी स्कैम में ईडी और सीबीआई के बिल्कुल टारगेट पे हैं, निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बोलापुर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। सभी को मालूम है अनुव्रत ममता के सबसे खसम खास हैं और वे बीरभूम जिले में पार्टी के चीफ भी हैं। गिरफ्तारी के पहले सीबीआई ने उन्हें 10 बार नोटिस दिए लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए और इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। अनुव्रत को गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया, उनसे जुड़ी करीब 49 प्रॉपर्टीज डीड भी सीबीआई ने कोर्ट में दी है और उनकी गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने कहा कि केस्टो यानी कि अनुव्रत मंडल ने क्या किया है, पिछले साल भी घर में बंद थे तब भी हम चुनाव जीते थे, ईडी और सीबीआई ने आधी रात को उनके घर में तोड़फोड़ की, यदि एक केस्टो को अरेस्ट किया जाएगा तो हजारों केस्टो खड़े हो जाएंगे और एक बार फिर से खेला हो जाएगा। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता की गिरफ्तारी, जैसा कि सब जानते हैं, हो चुकी है। इस मामले में जल्द ही विधायक मानिक भट्टाचार्य पर भी एक्शन हो सकता है, ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, उन्हें नया नोटिस सर्व हो गया है और ईडी के टॉप सोर्सेस जो हैं वो ये कहते हैं कि जल्द ही भट्टाचार्य सहित टीएमसी से जुड़े 3-4 नेताओं को इस मामले में अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ नेता ही नहीं, बंगाल के आईएएस आईपीएस भी जांच एजेंसी के रडार पे हैं। कोयला घोटाले में
दो आईपीएस श्याम सिंह सिविल डिफेंस में, और आईबी राजीव मिश्रा एडीजी आईजीपी को नोटिस जारी हो चुका है। गाय तस्करी में 6 आईपीएस को नोटिस जारी हुआ है, इसमें सुकेश जैन, ज्ञानवंत सिंह, राजीव मिश्रा, श्याम सिंह, सेल्वा मुरुगना, कोटेश्वर राव का नाम शामिल है। ईडी की जांच में सामने आया कि इन अफसरों ने तस्करी के बारे में इनको पता था, लेकिन उसे रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अनुव्रत मंडल के गिरफ्तार होने के बाद ही इन अफसरों की परेशानी बढ़ गई है। सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया हुआ है, और अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे और लोकसभा से सांसद हैं, कोयला घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया जा चुका है। पार्टी के 19 नेता आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। इनमें फिरहाद हाकिम, ज्योति प्रिया मलिक और मल्य कटक, व्रत्यव्रत वासु, अर्जुन सिंह, गौतम देव, इकबाल अहमद, स्वर्ण कमाल साहा, अरूप राय, जावेद अहमद खान, अमित मित्रा, अब्दुल रजक मौला, राजीव बनर्जी, सेओली शाह, सब्यसाची दत्ता, विमान बनर्जी, सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे, मदन मित्रा शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी फिलहाल जेल में हैं। अभिषेक बनर्जी, मानिक भट्टाचार्य, विनय मिश्रा और अनुव्रत मंडल से अलग अलग मामलों में पूछताछ जारी है। 4-5 नेता ऐसे हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं आए, लेकिन जल्द आ जाएंगे, और इन तक सीबीआई और ईडी का नोटिस पहुंच सकता है। ये खेल 2024 तक चलता रहेगा। मतलब अगर हम इस सवाल को सोचे तो अब सवाल सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर है। इनकी जांच और चुनाव में टाइमिंग की जो मैचिंग है वो क्या होती है और क्यों होती है। बंगाल में टीएमसी के जीतते ही उसके 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था, 2 दिन रिमांड पे रखा था, इन्हें नारदा केस में गिरफ्तार किया गया था। ये केस करीब 8 साल पुराना है। सवाल ये है कि 8 साल में भी सीबीआई केस खत्म क्यों नहीं कर सकी। तो ये एक अलग मसला है, चुनाव या नतीजों के आसपास ही गिरफ्तारी हो, नोटिस क्यों जारी होते हैं ये भी आप कह सकते हैं। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट भी सीबीआई की आलोचना कर चुका है, हालांकि नारदा केस में कोर्ट ने कोई डेडलाइन नहीं दी। अच्छा, ये भी जानना है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। तो टॉपर का नाम हटा कर कम नंबरों वालों को नौकरी दी गई। टॉपर से 16 नंबर कम पाने वाली मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता को टॉपर बना दिया गया। इसी मामले में पार्थ चटर्जी जेल में है, और पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता हैं, उन पे जांच चल रही है। इससे बंगाल का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला कहा जा रहा है, और शारदा नाम की कंपनी के जरिए 10 लाख लोगों को ठगा गया था, और 40,000 करोड़ रुपए के हेर फेर का इसमें एक अनुमान है, एस्टिमेट है। अच्छा, 8 साल से सीबीआई इसकी जांच कर रही है, ईडी भी इसमें शामिल है। अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है ना जांच हुई है। अगर हम कोयला घोटाला की बात करें, कोयला तस्करी की बात करें, तो ये अवैध खनन का मामला है। इसमें ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की जांच चल रही है। ये करीब 1,352 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। तो इसी तरीके से काफी मामलों में जांच चल रही है, और हाईकोर्ट के निर्देश पे 2017 से सीबीआई जांच कर रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इसमें जांच अभी पूरी नहीं हुई है, और बाकी जिन मंत्रियों के मैंने नाम बताए हैं वो सीधे सीधे सीबीआई और ईडी के रडार पे हैं। तो इससे इन मंत्रियों की ही जान नहीं सूखी हुई है, इसके साथ साथ ममता बनर्जी वो भी काफी प्रेशर में है, क्योंकि कोर्ट ने पूछ लिया है कि आप अपना जवाब दीजिए, और ईडी को जवाब देना है सितंबर 2nd वीक में कि उन पे हाथ कब तक डालना है। तो ये एक बड़ी बात है, जब ईडी
और सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा। तो ये जो विधायक हैं, करीब 25 विधायक, इनका फिर कैरियर जो है एक तरह से ख़त्म समझिए, क्योंकि राजनीति का अगर हम इतिहास उठा के देखें तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी सिचुएशन में आने के बाद सरवाइव कर पाते हैं, ज़्यादातर की पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। मुझे ये समझ में आता है कि आप मेरे काम को मुझे आप प्यार कर रहे हैं, मेरे काम को सम्मान दे रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो ये पता चलता है कि कहाँ कमी है, कहाँ अच्छा किया जा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।